मित्रों ज्योतिष विद्या द्वारा बता दूंगा कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के फर्स्ट ट्वेंटी महामुकाबले में किस खिलाड़ी को विकेट कीपर सेक्शन से लेकर के जाना है, किस खिलाड़ी को बैटिंग सेक्शन से लेकर के जाना है, किस खिलाड़ी को ऑलराउंडर सेक्शन से लेकर के जाना और किस खिलाड़ी को बॉलिंग सेक्शन से लेकर के जाना है, संपूर्ण जानकारी आपको ज्योतिष आंकड़े के द्वारा और बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से मिलने वाली है। तो एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की जय। और जिन जिन भाइयों और बहनों को बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी लगानी है, अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा और आगे बागेश्वर धाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे यहाँ पर डेली लाखों लोग अर्जी लगाते हैं और करोड़ों रुपए विन करके जाते हैं। और आप लोगों ने हमारे पूरी तरह से IPL में और T20 वर्ल्ड कप में देखा होगा कि दोस्तों जहाँ हमने दोस्तों स्मॉल लीग में अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया था, जहाँ दोस्तों लाखों रुपए दोस्तों ग्रैंड लीग से भी विन किए, और ये संपूर्ण कार्य दोस्तों बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से हो पाया है। आओ चलते हैं दोस्तों आज के मैच में बताने वाले हैं किस खिलाड़ी दोस्तों किस राज्य के खिलाड़ियों का शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, किस राज्य के खिलाड़ियों का अशुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन खिलाड़ी ग्रीन जोन पर जा रहा है, कौन खिलाड़ी रेड जोन पर जा रहा है और कौन खिलाड़ी ब्लैक जोन पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, किस खिलाड़ी को दोस्तों यहाँ पर राहु और केतु का साया है, किस खिलाड़ी के ऊपर शनि कुंडली मार करके बैठ चुका है, यह संपूर्ण जानकारी आपको ज्योतिष आंकड़े के द्वारा और बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से मिलने वाली है। तो एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की जय, जय बालाजी सरकार की जय। और चलते हैं दोस्तों फटाफट पूरी जानकारी बहुत ही बारीकी से करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का यह महामुकाबला दोस्तों शाम दोस्तों 4:30 बजे खेला जाना है। आप लोग जानते होंगे बहुत ही लाजवाब मुकाबला है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे इंडिया की तरफ से तो बहान बैट्समैन है वो दोस्तों इस सीरीज में नहीं खेलते नजर आएंगे और कप्तान की भूमिका सुमन गिल के हाथों पर होने वाली है। तो आओ चलते हैं फटाफट जानकारी कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ला नाम के खिलाड़ी के ऊपर स्टार चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जो मेघ राशि का जातक है, और ये खिलाड़ी दोस्तों यहां पर ब्लैक जोन से ग्रीन जोन पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के मैच में दोस्तों इस खिलाड़ी का शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर ढा और रा नाम के खिलाड़ी की क्रमशः बात कर लेते हैं, जो क्रमशः कर्क राशि और तुला राशि के जातक है, ये खिलाड़ी दोस्तों आप लोगों को बताते हैं ग्रीन जोन से दोस्तों यहां पर रेड ब्लैक जोन पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं का नाम का खिलाड़ी की बात करते हैं, तो का नाम का खिलाड़ी दोस्तों मिथुन राशि का जातक है, और मिथुन राशि का आर्द्रा नक्षत्र होता है, ये खिलाड़ी भी दोस्तों ग्रीन जोन से ब्लैक जोन पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर रा नाम के खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, तो रा नाम के खिलाड़ी के ऊपर स्टार तो चमक रहे हैं, पर तो ये खिलाड़ी दोस्तों आज के मैच में गेम चेंजर हो सकता है, और ये खिलाड़ी दोस्तों यहां पर ग्रीन जोन से ब्लैक जोन पर जाता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों एक बार दोस्तों हम आपको यह भी जानकारी देने वाले कि मां नाम के खिलाड़ी के ऊपर किस प्रकार का दोस्तों योग बन रहा है। तो मां नाम का खिलाड़ी दोस्तों ब्लैक जोन से दोस्तों ग्रीन जोन पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो सिंह राशि का जातक है। अब दोस्तों दो खिलाड़ियों के विषय में और जानकारी कर लेते हैं, सा और आ नाम के खिलाड़ियों के विषय में जानकारी कर लेते हैं। सा नाम का खिलाड़ी दोस्तों कुंभ राशि का जातक है, आप लोग जानते होंगे, और आ नाम का खिलाड़ी वही मेघ राशि का जातक है। ये दोनों नंबर के खिलाड़ी दोस्तों यहां पर दोस्तों ब्लैक जोन पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात कर लेते जा और पा नाम के खिलाड़ी की चर्चा करते हैं, तो बहुत ही दोस्तों इनका शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये खिलाड़ी के ऊपर स्टार चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो क्रमशः मकर राशि और कन्या राशि के जातक हैं, और एक खिलाड़ी का दोस्तों शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये खिलाड़ी दोस्तों ग्रीन जोन पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों सभी खिलाड़ियों के दोस्तों नाम के हिसाब से दोस्तों नक्षत्र के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्रदान की है कि कौन खिलाड़ी ग्रीन जोन पर, कौन खिलाड़ी ब्लैक जोन पर और कौन खिलाड़ी रेड जोन पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आओ चलते हैं दोस्तों मैच के आंकड़े देख लेते हैं कि मैच के आंकड़े में दोस्तों किस खिलाड़ी का पल्ला भारी है, रिसेंट 5 मुकाबले में किस टीम ने कितने रन बनाए हैं, कितने विकेट लिया है, और दोस्तों यहां पर मैदान है पिच कैसा भी है करने वाली है, संपूर्ण जानकारी आपको फटाफट मिलने वाली। तो आओ चलते हैं देरी ना करते हुए हम लोग पूरी जानकारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर
जिम्बाब्वे की बात कर लेते हैं, तो जिम्बाब्वे में रिसेंट 5 मुकाबले में आप लोग देख सकते हैं, पिछला अपना मुकाबला विन करके आई आप लोग देख सकते हैं, और 4 मुकाबला यहां लॉस किया है आप लोगों ने देखा होगा। वहीं अगर इंडिया की बात कर लेते हैं तो रिसेंट 5 मुकाबले में 5 के 5 मुकाबले वर्ल्ड कप में खेले और 5 के 5 मुकाबले विन किए। आप लोग जानते होंगे वर्ल्ड कप चैंपियन दोस्तों बनकर के दोस्तों इंडिया आ चुकी है। तो आज दोस्तों ये बात है कि वर्ल्ड चैंपियन का महामुकाबला दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ दोस्तों T20 मैच में 5 T20 मैच की ये सीरीज है जिसका पहला मुकाबला दोस्तों खेला जाना है। ये मैच दोस्तों कहां होने वाला, तो ये मैच होने वाला हरारे स्पोर्ट क्लब, हरारे जो जिम्बाब्वे में पड़ता है वहां पर होने वाला है। पिच दोस्तों बैलेंस बताई जाती है दोस्तों, पिच बैलेंस बताई जाती है, बेहतरीन दोस्तों पेसर्स को मदद मिलती हुई दिखाई देती है। औसत रन की बात कर लेते हैं, मौसम में धूप खिले रहने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है, तो खुशी का माहौल है। अब दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं औसत रन कितने बन सकते हैं और दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, ये जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। तो औसत रन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर 147 रन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। औसत रन कितना है, 147 रन है, कुल विकेट 13 गिरे हैं। जहां पेसर्स को देखिएगा दोस्तों 5, वहीं स्पिनर को 8 विकेट मिलते हुए दिखाई देते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो ये पिच स्पिन के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। अगर दोस्तों को हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात किया जाए तो एक मैच खेला जा चुका है जहां इंडिया ने वो मैच जीता है और जिम्बाब्वे में एक भी मैच नहीं जीता है। अब दोस्तों हम लोग क्या करने वाले, लास्ट 5 T20 डोमेस्टिक मैच को आधार बनाकर के बात करने वाले, किस खिलाड़ी के कितने पॉइंट है, कितने परसेंट टीम पर आया है, कितने रन बनाया और कितने विकेट लिया, ये जानकारी भी आप लोगों को मिलने वाली है। तो सबसे पहले और चलते जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के विषय में जानकारी कर लेते हैं। तो और चलते सबसे पहले दोस्तों जिम्बाब्वे के देखिएगा, बॉब बेनेट है दोस्तों 351 पॉइंट के साथ टॉप पर है। वहीं दोस्तों आप मुजरवानी बॉलर है 279 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर, वहीं ताज चतरा है 241 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों इंडिया के दोस्तों टॉप 3 खिलाड़ियों की, तो दोस्तों रवि बिश्नोई 288 पॉइंट के साथ टॉप पर हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल दोस्तों इस मैच में अनुपलब्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर दोस्तों आवेश खान 246 पॉइंट के साथ टॉप पर विराजमान है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ड्रीम टीम की चर्चा कर लेते हैं। ड्रीम टीम में कौन खिलाड़ी कितने परसेंट आया है, तो आओ देख लेते हैं ड्रीम टीम की चर्चा करते हैं। तो ड्रीम टीम में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आर रावा है दोस्तों 80% टीम पर आए। वहीं एल जोंगवे है 80% टीम पर आए। वहीं ता चतरा भी 80% टीम पर आए। अगर बात कर लेते हैं इंडिया की तरफ से, तो रवि बिश्नोई दोस्तों 80% आए। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ दोस्तों बैट्समैन है दोस्तों 60% टीम पर आए। यही मुकेश कुमार बॉलर है दोस्तों 60% टीम पर आए। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों यहां पर रन के मुकाबले में देख लेते हैं, रन के मुकाबले में आखिर किस टीम का पल्ला भारी है और किस टीम का पल्ला हल्का है, इसके विषय में भी जानकारी फटाफट कर लेते हैं। तो रन के मुकाबले में आप लोग देख सकते हैं यहां पर जिम्बाब्वे की तरफ से बॉब बेनेट 135 रन बनाकर के टॉप पर है। वहां जैक कैंपबेल 128 रन बनाकर के दूसरे स्थान पर, वहीं ताम मारुमानी 106 रन बनाकर के तीसरे स्थान पर विराजमान है। वहीं अगर बात कर लेते हैं यशस्वी जायसवाल की, दोस्तों अनुपलब्ध 147 रन बनाकर के टॉप पर है। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ 142 रन बनाकर के दूसरे स्थान पर, वहीं सुमन गिल 102 रन बनाकर के तीसरे स्थान पर विराजमान है। अब आओ चर्चा कर लेते हैं विकेट की बात कर लेते हैं, कौन बॉलर है जो सबसे अधिक विकेट लिया है या ऑलराउंडर ने सबसे अधिक विकेट लिया है। तो बॉलिंग सेक्शन पर आम मुजरमानी दोस्तों 7 विकेट लेकर के टॉप पर है। वहीं दोस्तों एल जोंगवे 7 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर, वहीं ताज चतरा भी 7 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है, दोनों ही बॉलर हैं। वहीं इंडिया की तरफ से रवि बिश्नोई 8 विकेट के साथ टॉप पर हैं। वहीं दोस्तों आवेश खान 7 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर, वहीं मुकेश कुमार 3 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों के सामने विकेट की भी बात हो चुकी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पर कौन दोस्तों बैटिंग ऑर्डर के विषय में जानकारी कर लेते हैं। तो बैटिंग ऑर्डर में हम लोग देख सकते हैं, बैटिंग ऑर्डर में जिम्बाब्वे की तरफ से बॉब बेनेट दोस्तों और ई कया दोस्तों यहाँ पर ओपनिंग करने वाले हैं और ता मारुमानी दोस्तों फर्स्ट डाउन आने वाले। वहीं इंडिया की तरफ से हो सकता है ऋतुराज गायकवाड़ और सुमन गिल ओपनिंग करते नजर आएंगे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल अगर होते दोस्तों आज का मैच खेलते तो वो आते, पर दोस्तों यहां पर सुमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करते नजर आएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को ये पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अब दोस्तों एक एक खिलाड़ी के विषय में पूरी जानकारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, संजू सैमसन तो अनुपलब्ध होने वाले हैं। आखिर इंडिया की तरफ से कौन खेलने वाला, ध्रुव जूरेल खेलने वाले हैं,
कि जितेश शर्मा खेलने वाले हैं या दोस्तों टीम आरुमानी खेलने वाले हैं या सीमन नदे खेलने वाले हैं, तो सबके विषय में बहुत ही बारीकी से जानकारी कर लेते हैं। आओ चलते फटाफट दोस्तों संजू सैमसन को तो ड्राइव कर लेते हैं, क्योंकि वो तो खेलने वाले नहीं, पहले से ही दोस्तों अनुपलब्ध बताए जा रहे हैं। इनके विषय में बहुत ही अच्छी जानकारी हमको ज्योतिष अंकड़े के द्वारा और बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से देने वाले हैं। तो आओ चलते फटाफट जानकारी दे लेते हैं। तो सबसे पहले सी मंदे की बात कर लेते हैं। इस खिलाड़ी के सामने जो राहु और केतु का साया था वो टल चुका है, जो शनि कुंडली मार करके बैठा था वो भी डल हो चुका है। तो इस खिलाड़ी को दोस्तों हम आपको बताते हैं, ये खिलाड़ी दोस्तों आज के मैच में गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हो सकता है। वहीं डेज उरल की बात कर लेते हैं, ये खिलाड़ी दोस्तों कर्क राशि का जातक है और कर्क राशि का स्वामी दोस्तों सूर्य होता है और ये मैच दोस्तों सूर्य की रोशनी पर होने वाला है। तो दोस्तों इस खिलाड़ी को 100% आप लोग पहली पारी में लेकर के जाएंगे, 100% आपको ड्रीम आप पॉइंट मिलते नजर आएंगे। अगर ध्रुव उरल को आप लोग पहली पारी में लेकर के गए 100% दोस्तों ड्रीम आप पॉइंट मिलने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों मकर राशि के जातक जितेश शर्मा की बात कर लेते हैं। जितेश शर्मा दोस्तों मकर राशि के जातक है और मकर राशि का स्वामी दोस्तों सूर्य होता है। तो जितेश शर्मा को दोस्तों आप लोग पहली पारी में आजमाइएगा, 100% ड्रीम आप पॉइंट पाइएगा। दोस्तों यहां पर दोस्तों टीम अरमानी की बात कर लेते हैं। ये खिलाड़ी दोस्तों आप लोग जानते होंगे, ये खिलाड़ी दोस्तों सिंह राशि का जातक है और सिंह राज का जो नक्षत्र होता है मघा नक्षत्र होता है और मघा नक्षत्र का जो शुभ योग बनता हुआ दिखाई देता है वो भी पहली पारी में बनता हुआ दिखाई देता है। तो टीम अरमानी को भी दोस्तों आप लोग पहली पारी में लेकर के जाना है। तो एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की जय। और चलते दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन से पूरी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो चुकी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग अगले सेक्शन पर चलते हैं दोस्तों, वो होता है बैटिंग सेक्शन। बैटिंग सेक्शन पर भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो बैटिंग सेक्शन पर आप लोग देख सकते हैं यशस्वी जायसवाल अनुपलब्ध होने वाले, सुमन गिल दोस्तों कप्तानी पारी खेलने वाले हैं, वहीं रिंकू सिंह अब जरूर खेलते नजर आएंगे, ऋतुराज गायकवाड़ भी दोस्तों खेलते नजर आएंगे आप लोग जानते होंगे। और दोस्तों जिम्बाब्वे की तरफ से देखिएगा डब्लू माधवेरे भी खेलते नजर आएंगे। डब्लू माधवेरे के बाद इंडिया की तरफ से दोस्तों यहां पर रियान पराग हैं और एम सुम्बा है दोस्तों, आओ ले लेते हैं दोस्तों रियान पराग को भी ले लेते हैं और एम सुम्बा को ले लेते हैं। रियान पराग एम सुम्बा को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों हमारे टॉप 6 दोस्तों बैट्समैनों की लिस्ट है जो आपके सामने उपलब्ध है। इनके विषय में पूरी जानकारी कर लेते हैं। इन दोस्तों 6 बैट्समैन है, जहां जिम्बाब्वे के 2 दोस्तों, वहीं इंडिया के 4 बैट्समैन का बेस्ट कॉम्बिनेशन दोस्तों उपलब्ध है। वहां पर सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसी बात कर लेते हैं, किंग राइस के खिलाड़ी दोस्तों सुमन गिल की बात कर लेते हैं, जो इंडिया की बाग दौड़ संभालने वाले हैं। दोस्तों ये खिलाड़ी कुंभ राशि का जातक है, सतविका नक्षत्र है, राक्षस पहुंचती है, सन की छाया है, नाड़ी आदि है। इस खिलाड़ी का जो शुभ योग है बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से सेकंड पारी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इस खिलाड़ी को दोस्तों आप लोग इस खिलाड़ी को पहली पारी में नहीं सेकंड पारी में आजमा करके चलना है, 100% आपको ड्रीम आप पॉइंट मिलने वाले हैं, 100% ड्रीम आप पॉइंट मिलने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं तुला राज के खिलाड़ी रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर लेते हैं और रियान पराग की बात कर लेते हैं। ये 3 खिलाड़ी दोस्तों आप लोग जानते होंगे, ये 3 खिलाड़ी तुला राज के जातक हैं और तुला राज का चित्रा नक्षत्र होता है। चित्रा नक्षत्र का शुभ योग दोस्तों ज्योतिष आंकड़े के द्वारा पहली पारी में बनता हुआ दिखाई देता है। इन 3 खिलाड़ी को आप लोग पहली पारी में अजमाइएगा, 100% ड्रीम आप पॉइंट पाइएगा, 100% ड्रीम आप पॉइंट मिलने वाले। वहीं पर दोस्तों यहां पर डब्लू की बात कर लेते हैं, डब्लू माधवेले की बात कर लेते हैं। इस खिलाड़ी का दोस्तों अच्छा योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस खिलाड़ी को आप लोगों को ड्राइव करके जाना, 100% डेम आप पॉइंट मिलते नजर आएंगे। इस खिलाड़ी को ड्राइव करके चले जाना। वहीं एम सुम्बा की बात कर लेते हैं, ये खिलाड़ी दोस्तों आप लोग जानते होंगे, ये खिलाड़ी दोस्तों सिंह राज का जातक है और सिंह राज का नक्षत्र मघा नक्षत्र होता है और मघा नक्षत्र का जो शुभ योग बनता हुआ दिखाई देता है वो पहली पारी में बनता हुआ दिखाई देता है। इस खिलाड़ी को पहली पारी में लेकर के जाना, 100% डीम आप पॉइंट पाना चाहते हैं, इस खिलाड़ी को पहली पारी में लेकर के चले जाना। अब दोस्तों यहां पर हम लोगों को बैटिंग सेक्शन पर पूरी जानकारी मिल चुकी है। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पर, पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं आखिर ऑलराउंडर सेक्शन से किन खिलाड़ियों को लेकर के जाना है, किस खिलाड़ी को ड्राइव करके जाना है, ये पूरी जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों पिच बैलेंस है, इसलिए ऑलराउंडर और दोस्तों बॉलिंग सेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आओ चलते दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन पर पहले पूरी जानकारी कर लेते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन
पर पूरी जानकारी कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों एस राजा जरूर खेलने वाले और दोस्तों यहाँ पर अभिषेक शर्मा भी खेलने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा आईपीएल में तबाही मचाकर रख दी है आशुतोष शर्मा ने दोस्तों, अभिषेक शर्मा में शिवम दुबे दोस्तों अनुपलब्ध होने वाले हैं। वही दोस्तों वाशिंगटन सुंदर भी खेलने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर भी खेलने वाले हैं। वही इसके बाद बी बिनेट दोस्तों ओपनिंग करने वाले हैं दोस्तों, बी बिनेट ओपनिंग करने वाले। इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास दोस्तों फोर दोस्तों यहां पर दोस्तों ऑलराउंडर खिलाड़ी दोस्तों मौजूद होंगे। दोनों ही टीम से दो दो खिलाड़ियों का बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके सामने उपलब्ध होने वाला है। तो दोस्तों आओ चलते हैं फटाफट इनके विषय में जानकारी कर लेते हैं, आओ चलते हैं दोस्तों फटाफट जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों एस राजा की बात कर लेते हैं। ये खिलाड़ी दोस्तों कुंभ राशि का जातक है, सत्विका नक्षत्र राक्षस प्रोत्साहन की छाया है, नारी आदि अर्थात इस खिलाड़ी को बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से दोस्तों सेकंड पारी में लेकर के जाना है। 100% आपको ड्रीम ऑफ पॉइंट चाहिए तो इस खिलाड़ी को सेकंड पारी में माना। इसके बाद दोस्तों अभिषेक शर्मा की कल बात कर लेते हैं। ये खिलाड़ी मेघ राशि का जातक है और मेघ राशि का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र होता है। रोहिणी नक्षत्र के अनुसार इसका राशि सदैव अर्थात बागेश्वर धाम का आशीर्वाद है। इस खिलाड़ी को दोस्तों आप लोग पहली बार में आजमाइएगा, 100% रिजल्ट पाइएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों वाशिंगटन सुंदर है, वक्र राशि के जातक है। इस खिलाड़ी को दोस्तों आप लोग ड्रैप करके भी जा सकते हैं, अगर लेकर के जाना है तो सेकंड पारी में आजमा करके जा सकते हैं। वहीं बी विनेट की बात कर लेते हैं, जिम्बाब्वे के ओपनर बल्लेबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन करने वाले हैं। तो इस खिलाड़ी का बहुत ही शुभ योग बनता हुआ दिखाई देता है, इस खिलाड़ी को बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना दोस्तों, नहीं भारी भरकम नुकसान हो सकता है। इसके बाद दोस्तों और चलते एक सेक्शन हमारे पास और बचता है, वो होता है दोस्तों बॉलिंग सेक्शन। आज के मैच में वो भी सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उस खिलाड़ी को दोस्तों बॉलिंग सेक्शन पर आओ चलते फटाफट जानकारी कर लेते कि आखिरकार बॉलिंग सेक्शन पर कौन खिलाड़ी उपलब्ध होने वाला है, किस खिलाड़ी का शुभ योग और किस खिलाड़ी का शुभ योग बन रहा है। तो आओ चलते फटाफट जानकारी कर लेते हैं। तो बालिक सेक्शन पर दोस्तों बी मुजरमानी होने वाले हैं। बी मुजरमानी के बाद दोस्तों रवि बिश्नोई खेलने वाले, आवेश खान भी खेलने वाले 100% और उसके बाद आर ने ग्रावा भी खेलने वाले। आप लोग जानते होंगे ये फोर बॉलर जरूर खेलने वाले हैं। और दोस्तों यहां पर मुकेश कुमार खेलने वाले हैं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे मुकेश कुमार भी खेलने वाले हैं, मुकेश कुमार खेलने वाले। और दोस्तों यहां पर दोस्तों डब्लू मास्काज्जा भी खेलने वाले हैं दोस्तों, तुषार देशपांडे और दोस्तों यहां पर मुकेश कुमार में एक खेलने वाले हैं, हर्षित राणा भी है। तो दोस्तों यहां पर हम चलते हैं दोस्तों खलील अहमद दोस्तों टी चात्रा है, टी चात्रा के विषय में जानकारी कर लेते हैं। टी चात्रा के बाद दोस्तों यहाँ पर डब्लू मसाकदजा है दोस्तों, इनके विषय में भी जानकारी कर लेते हैं। इस प्रकार से सेवन दोस्तों बॉलरों का बेस्ट कॉम्बिनेशन के विषय में जानकारी कर लेते हैं, इनके विषय में फटाफट जानकारी कर लेते हैं। तो आओ चलते हैं फटाफट जानकारी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले देते हैं मीम मुजरमानी की बात कर लेते हैं। इनका शुभ योग दोस्तों बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से बनता हुआ नजर आता है। इस खिलाड़ी को 100% दोस्तों आज के मैच में लेकर के जाना है, शुभ योग बनता हुआ दिखाई देने वाला है। तो आओ चलते हैं दोस्तों, हम आपको बताते हैं रवि बिश्नोई, ये खिलाड़ी दोस्तों तुला राज के जातक है। तुला राज के खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं, रवि बिश्नोई आ जाते हैं। तुला राज का शुभ योग बनता हुआ दिखाई देता है, वो पहली पारी में बनता हुआ दिखाई देता है। तो तुला राज के खिलाड़ियों को आप लोग पहली पारी में लेकर के जाइएगा, 100% डीम ऑफ पॉइंट मिलने वाले हैं। तुला राज के खिलाड़ियों को पहली पारी में लेकर के जाना। वहीं आवेश खान की बात कर लेते हैं, ये खिलाड़ी दोस्तों मेघ राज का जातक है और मेघ राज का जो नक्षत्र होता है रोहिणी नक्षत्र होता है, और रोहिणी नक्षत्र का भी शुभ योग दोस्तों आज के मैच में पहली पारी में बनता हुआ दिखाई देता है। तो आप लोग रोहिणी नक्षत्र के खिलाड़ियों को पहली पारी में आजमाइएगा। अगर दोस्तों इंडिया पहले बॉलिंग करने जा रही तो आवेश खान को ले जाना बिल्कुल मत भूला। आर नेग्रावा की बात कर लेते हैं, ये खिलाड़ी भी तुला राज का जातक और तुला राज का दोस्तों चित्रा नक्षत्र होता है और मैच दोनों होने वाला है दोस्तों शनिवार को। ये खिलाड़ी दोस्तों यहां पर अशुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आप लोग इसको ना ले जाना, नहीं भारी भरकम नुकसान होने वाला है। डब्ल्यू की बात कर लेते हैं, ये खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, इस खिलाड़ी को भी दोस्तों आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, पर ये खिलाड़ी आज के मैच में दोस्तों गेम चेंजर खिलाड़ी हो सकता है। वही मुकेश कुमार की बात कर लेते हैं, सिंह राज के जातक है, मघा नक्षत्र है। इस खिलाड़ी का भी शुभ योग दोस्तों पहली पारी में बनता हुआ दिखाई देता है। तो आप इस खिलाड़ी को 100% पहली पारी में लेकर के जाएंगे, 100% ड्रीम ऑफ पॉइंट पाते नजर आएंगे। वहीं टी चित्रा की बात कर लेते हैं, ये खिलाड़ी भी सिंह राज का जातक है, मघा नक्षत्र है और मघा नक्षत्र के खिलाड़ियों का शुभ योग जो बनता हुआ दिखाई देता है वो पहली पारी में बनता हुआ दिखाई देता है। एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की जय। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने बॉलिंग सेक्शन में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब दोस्तों यहां पर हम आपको एक डेमो टीम बना करके देने वाले, तो आप लोग फटाफट तैयार हो जाइएगा डेमो टीम के लिए। ये दोस्तों हमारी फाइनल टीम नहीं होती, फाइनल टीम आपको टॉस होने के 10 मिनट बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोग फटाफट क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर और चैनल के अबाउट सेक्शन पर जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा। और चलते फटाफट दोस्तों आप लोगों को एक डेमो टीम बना करके देने वाले हैं।
आओ चलते हैं, देरी ना करते हुए एक डेमो टीम बना देते हैं। डेमो टीम में आप लोग देख सकते हैं हम किसको लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों डेमो टीम में हम ध्रुव जुरोल को लेकर के जा रहे हैं। किसको लेकर के जा रहे हैं? ध्रुव जुरोल को लेकर के जा रहे हैं। और दोस्तों जिम्बाब्वे की तरफ से सी मंदे को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों बैटिंग सेक्शन पर जाते हैं। बैटिंग सेक्शन में दोस्तों सुमन गिल को ले लेते हैं। सुमन गिल के बाद दोस्तों यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को ले लेते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के बाद दोस्तों यहां पर चलते डब्लू माधवेरे को ले लेते हैं। डब्लू माधवेरे के बाद दोस्तों हम चलते ऑलराउंडर सेक्शन पर पहुंच जाते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन पर हम लोग बात कर लेते हैं तो एस राजा को ले लेते हैं। एस राजा के बाद दोस्तों अभिषेक शर्मा को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग बॉलिंग सेक्शन पर चलते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन पर हमें किसको लेकर के जाना है? तो बी मुजरवानी को लेकर के जाना है। रवि बिश्नोई को लेकर के जाना है। और रवि बिश्नोई के बाद दोस्तों आवेश खान को लेकर जाना है। आर नेगरावा को लेकर के जाना है। इस चार वालों का बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके सामने उपलब्ध है। और दोस्तों इस प्रकार से टीम बहुत सारे लोग बना लेते हैं, पर दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत होती है कप्तान उपकप्तान बनाने की। पिच आप लोग जानते होंगे बैलेंस, इसलिए कप्तान को कप्तान बनाना बहुत ही सरल हो जाता है। और चलते हैं दोस्तों आज के मैच में किसको कप्तान किसको वाइस कैप्टन बनाकर के चलते हैं। तो दोस्तों हम एक बार फिर से अभिषेक शर्मा को दोस्तों कप्तान बनाते हैं। अभिषेक शर्मा को दोस्तों हम कप्तान बनाकर के जा रहे हैं। वहीं वाइस कैप्टन के रूप में दोस्तों हम किसको लेते हैं? वाइस कैप्टन के रूप में आप लोग ऋतुराज गायकवाड़ या दोस्तों यहां पर सुमन गिल को ले सकते हैं। हम दोस्तों यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे यह वीडियो कैसी लगी, हमारी जानकारी कैसी लगी। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और हमारा वीडियो देखे आप सबसे पहले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। मिलते किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।